इस वक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सीधे आपको लेकर चलते हैं। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं, अब यहां चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रजापति जी। जी मैं लक्ष्मीचंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि गोरखपुर के दोगले के गांव से बोल रहे हैं? जी मैं विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। जहाँ की टेराकोटा विश्व पटल पर है। अच्छा लक्ष्मी जी आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा पूरा परिवार पूरा खानदान टेराकोटा शिल्प से जुड़ा है। मैंने एक संस्था 2000 में बनाई लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका वार्षिक आमदनी लमसम 1 करोड़ के आसपास है। ये समूह का कि एक एक व्यक्ति का? नहीं पूरे पूरे 75 लोगों का। हमारे समूह में 12 सदस्य हैं और 12 सदस्यों के परिवार में किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 4 ही हैं, कुल मिला के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 12 लोग जो मैं मुखिया है 12 लोग 1.25 करोड़ रुपया कमाते हैं। जी जी जी। अच्छा लक्ष्मी जी मुझे बताया गया है कि आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP एक जिला एक उत्पाद स्कीम का लाभ बहुत लिया है और आप एक बहुत जागृत व्यक्ति है, समाज को जोड़ करके काम करते हैं, तो आप इन्हें जरा अनुभव बताइए। जी सर मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उनका एक अलग पहचान ODOP योजना है, उसके तहत हमारे सारे शिल्पियों को टूल किट, पावर की चाक, मिट्टी बनाने वाली मशीन, ये मुफ्त में सबको मिला है। जितने तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए लोकसभा चुनाव में हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से लाभार्थियों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की है। पीएम मोदी लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम। नई वैरायटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्वीकार करे जी। इसके लिए हम बल दे रहे हैं और आप जैसे लोग जितने सामर्थ्यवान होंगे सशक्त होंगे उतना लाभ ज्यादा होने वाला है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना सदियों से जो लोग इस काम में माहिर है, जिनके दिल दिमाग में आंख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीजें मिल जाए तो हम दुनिया में छा सकते हैं। तो हैट्रिक के टारगेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद, और सवाल बड़ा हो जाता है मोदी के लाभार्थी 24 विजय रथ के सारथी बनने वाले हैं। विजय जी इसमें सवाल जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि देश में इस समय प्रधानमंत्री की या मोदी सरकार की जितनी योजनाएं उसके करीब करीब 28 करोड़ लाभार्थी हैं, और ये जो इंटरेक्शन कर रहे हैं ये आप इसको भले ही पॉलिटिकल एक्सरसाइज कहें लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, कि जो आप योजनाएं चला रहे हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री भी बार बार जोर देते हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू उन लोगों के साथ जो सीधे उससे जुड़े हुए हैं, तो उन तक क्या वो योजना पहुँच रही है, उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी सीधी सीधी बात आती है। कई बार होता है आपने देखा होगा कि इस तरह के जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें ये मिला नहीं था, हमें इतना पैसा मिला नहीं मिला, तो वो एक रिव्यू भी हो रहा है और दूसरा उसको एहसास भी कराया जा रहा है कि भाई साहब ये योजना हमने चालू की है और उस योजना का फ़ायदा आपको हो रहा है। जैसे विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया, मैं बार बार इस बात पर कहता हूँ कि जो विपक्ष की जातिगत जनगणना है ना उसका जवाब के तौर पर विश्वकर्मा योजना को खासतौर से तैयार किया गया और शुरू किया गया, जिसका फायदा अति पिछड़े और जो कारीगर जो है हमारे समाज उसको बड़ा फायदा उसका मिलने वाला है। तो वो विजय रथ के
कह सकते हैं, क्योंकि वो 28 करोड़ में से कितना लोग, जरूरी नहीं कि 100% हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, वो जो एक कहते हैं ना कि साहब जो वोट बैंक है वो बढ़ जाता है धर्म और जाति में, कम से कम ये उससे अलग हटकर एक समाज में सकारात्मक बदलाव, सभी धर्म और जाति के लोग हैं, लाभार्थी वर्ग है जिनको फायदा मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं देश निर्माण में अपना योगदान भी दे रहे हैं, तो इस रूप में ये वो लोग जो सामने आ रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।